फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। सो गाइज, बहुत समय से एक डिमांड आ रही थी हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की कि नितिन भाई, एलईडी बल्ब, एलईडी हेडलाइट कुछ लगा दो इस गाड़ी में। तो गाइज, फाइनली आप लोग की डिमांड पे मैं फिलिप्स एक्सट्रीम विजन, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ हैलोजन बल्ब्स को, क्योंकि एक्चुअली मैं जो इनकी लाइट होती है, जो इनकी इंटेंसिटी ऑन रोड होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट क्योंकि आप सब भाइयों की एक रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी कि आप लोग एक एलईडी सेटअप देखना चाहते हैं, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद एक एलईडी बल्ब मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। आप चाहें तो लगवा सकते हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या रखना है ध्यान, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बट उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइट आई का बल्ब। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, नाइट आई में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है मार्केट में। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे आप नाइट आई ढूंढते हैं, 95% ऑफ द टाइम आपको कभी भी ओरिजिनल बल्ब नहीं मिलेगा। कोई कहता है एंड्राइड नाइट आई, कोई कुछ और कहता है, लेकिन एक्चुअली में जो नाइट आई है उसके ऊपर सिर्फ नाइट आई होता है। ये एंड्राइड और दुनिया भर के जो नाम लिखे होते हैं, ये सब फेक है। तो अगर आप किसी तरीके से नाइट आई के ओरिजिनल बल्ब तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस बल्ब के साथ आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 3 इयर्स की। 9000 लुमिनियस का ये होता है और 6500 के कलर टेम्परेचर होता है। इसके साथ एक स्पेशलाइज बार कोड आता है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं। अब ये बल्ब आते हैं दो, लेकिन मैंने एक विवेक की गाड़ी में ऑलरेडी लगा दिया है और ये दूसरा बल्ब है। अभी आप देख सकते हैं कि इस बल्ब के ऊपर सिवाय नाइट आई के और कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। अब आइए इसको करते हैं इंस्टॉल और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है इस फिलिप्स एक्सट्रीम विजन में और वाइट बल्ब में। तो आइए इंस्टॉल करते हैं पहले। सो गाइज, अब सबसे पहले आप देख लीजिए स्टॉक बल्ब की लाइट और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नए बल्ब की लाइट। तो ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। सो गाइज, ये देख सकते हैं आप, ये इस समय जो है ये स्टॉक बल्ब जो फिलिप्स एक्सट्रीम विजन लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, उसकी है ये लो बीम। और ये देखिए, ये है इस बल्ब की हाई बीम इंटेंसिटी। तो आप देख सकते हैं, गाड़ी मैंने अभी बंद कर रखी है, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ये देखिए, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये है हाई बीम और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है लो बीम। तो ये दोनों ही रोशनी अब आपने देख ली है। अब आइए आपको दिखाता हूँ नए वाले बल्ब की लाइट। तो जैसा कि आपको पता है, बल्ब को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ओहो, ये देखिए, पहला स्क्रू मैंने इधर से निकाल लिया है। अगेन द सेम थिंग, दूसरा स्क्रू मुझे इधर से निकालना है। ये देखिए, दूसरा स्क्रू भी बाहर आ चुका है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, लाइट को नीचे से बाहर निकालते हैं, फिर ऊपर से पुश ऑन करा और उसके बाद ये कपलर आपको निकाल देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको अगेन सेम थिंग, ये रबर निकाल देनी है। और मैंने आपको जैसा कि पिछली बार भी बताया था, ये रबर वापस लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, इसको मैंने पुश ऑन कर दिया और अब मैं इस बल्ब को बड़े ही प्यार के साथ निकाल लेता हूँ। देखिए, फिलिप्स का एक्सट्रीम विजन है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये डायमंड कोटिंग होती है इस बल्ब के ऊपर, ये आज भी है। अब इस बल्ब को मैं पहले रख देता हूँ और मैं इंस्टॉल करता हूँ पहले नया वाला बल्ब। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गाइज, ये जो बल्ब होता है इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब इसके लिए पहले आपको करना ये है, क्योंकि ये रबर इक्विपमेंट है, तो पहले आप इसमें से इस रबर को बाहर निकाल लीजिए।
क्योंकि ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप मिस करते हैं फॉर एनी सरकमस्टेंसेस तो ये आपकी हेडलाइट को बर्बाद करके रख देगा। तो ये देखिए, आप यहाँ से इसको निकाल लीजिए, सबसे पहले ये निकाल लीजिए। उसके बाद गाइस आपको इस पर्टिकुलर बल्ब को यहाँ से, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ से ये खुल जाता है। ओ यस, ये यहाँ से खुल जाता है गाइस। ये यहाँ से घुमा के इस तरीके से भी अनलॉक लॉक किया जा सकता है गाइस, तो फिर मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो माय बैड, मैंने यहाँ से किया। अब मैं यहाँ से सिंपली इस बल्ब को इस तरीके से डाल देता हूँ, इसको यहाँ से इस तरीके से पीछे पुल कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इसको पुल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये रबर है और इसमें मुझे सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है। तो इस रबर को मैंने पुल कर लेता हूँ पीछे पूरी तरीके से। उसके बाद मैं पहले इसको लगाऊंगा। तो ये देखिए, अच्छा अब ये देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि गाइस यहाँ पे ये होल्डर जो है ये आपका स्पेसिफिक सही लोकेशन में लगा हो। तो उसके लिए आप एक बार दोबारा देख लीजिए पहले तो कि ये लगता कैसे है। ये होल्डर जो होता है ये देखिए, कुछ इस तरीके से उल्टा करके ये इस तरीके से पीछे आएगा और ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर लॉक होता है। ये और किसी पोजीशन में आपका लॉक नहीं होगा। अगर आप पीछे से लाएंगे तो ये इस तरीके से लॉक नहीं होगा। तो ये देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अब आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा जला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राइट ल्यूमिनोसिटी है इस बल्ब की। और ये देखिए, मैं इसका ये हाई बीम और अब इसके बाद इसको कर देता हूँ लो बीम पे। ये देखिए लो बीम, ये देखिए हाई हाई बीम और ये देखिए लो बीम, हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम। ये देखिए लो बीम है और ये देखिए इसका हाई बीम है। तो यानी कि लो बीम यानी कि ये बल्ब मैंने गलत तरीके से पकड़ा है, क्योंकि ये देखिए लो बीम है तो ये इधर से ये होना चाहिए। तो ये यानी कि ये बल्ब ऐसे करके नहीं लगेगा, ये इसमें इस तरीके से लगेगा, यानी कि ये देखते हैं। सो दिस हैपन्स टू बी द लो बीम एंड ये है अब इसकी हाई बीम। ये देखिए लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। अब पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाने में आसानी हो। सो गाइज, ये लगा दी है मैंने ये। अब देखिए इसके ऊपर, ये देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है और इसको प्लीज़ डैमेज मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा फैला करके धीरे से आप अपने बल्ब के ऊपर फिट कर लीजिएगा। और जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेस दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ना इसको दोनों हाथों से थोड़ा सा पकड़ के इसको ऐसे करके फैला के इस बल्ब के ऊपर लगाना पड़ेगा। रबर है, ये फैल जाएगी और ये यहाँ पे जाके हुक कर जाएगी। तो मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि देखिए बल्ब के ऊपर मैंने रबर केसिंग को भी लगा दिया है एंड ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो चुका है। ये देखिए, आप बल्ब भी अंदर देख सकते हैं कि ये लग चुका है। तो अब मैं सबसे पहले इस बल्ब को वापस अंदर री इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा आगे का प्रोसेस। लेट्स जस्ट गेट दिस डन एंड फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, अब मैं दोनों साइड के पहले मैनुअली यानी कि हाथ से आपको ये पोंचों को कसना है। पहले कभी भी स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करके मत कसिए पहले, क्योंकि पेंच जो होते हैं वो सेट होने में अपना स्पेस लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको मैनुअली कसिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर कोई गड़बड़ है या फिर कोई पेंच सेट नहीं बैठा है तो एटलीस्ट आप उसे बैठा सकें ठीक से। जैसे ये इधर वाला नहीं बैठा था, तो ये देखिए अब इस तरीके से पहले आप इसको मैनुअली बैठा लीजिए। जब ये बिल्कुल मैनुअली अच्छे से बैठ जाए, नाउ यू नो कि अब ये बिल्कुल अच्छे से बैठ चुके हैं, लाइट एकदम अपनी जगह पे सेट है। उसके बाद आप बस धीरे से इसको स्क्रू ड्राइवर से आप कस सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत कसिए क्योंकि ये बहुत छोटी सी पट्टियों पर ये बोल्ट्स होल्ड होते हैं तो ये इशू क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए,
यहाँ पे भी मैंने इसको दोनों साइड से टक इन कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। अब आइए चेक करते हैं। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ और आप देख लीजिए ये है इस बल्ब का लो बीम और ये देखिए ये है इस बल्ब का हाई बीम। ये देखिए काफ़ी अच्छी ब्राइट रोशनी है, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मैं थोड़ा सा हैलोजन्स का फॉलोअर ही रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैलोजन की रोशनी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन अब आप अपने स्क्रीन पे ये दोनों बल्ब्स का कंपैरिजन देख लीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा बल्ब बेहतर है। सो गाइज, ये था वो बल्ब जो अभी हमने लगाया था। अभी आपने दोनों बल्ब्स का कंपैरिजन भी देखा, काफ़ी अच्छी लाइट भी है। तो आप इस बल्ब को प्रोक्योर कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको ओरिजिनल मिल जाए। इनकेस अगर आप वो बल्ब की रिक्वायरमेंट हो या आप लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे मैं डाल दे रहा हूँ, आप विवेक से बात कर लीजिएगा, वो प्रोवाइड करा देगा। इस बल्ब की कॉस्ट है 1300 रुपीज़ और आई गेस 100 रुपये तक शिपिंग आएगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके घर पे भी आपको मिल जाएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर्ड ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।